14वें वित्त आयोग के तहत परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत जिले में चयनित 34 गांवों में से 30 गांवों को शासन के निर्देश पर धनराशि अवमुक्त करा दी गई है। गांवों को मॉडल गांव बनाने के लिए शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के संबंध में बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए और पूरे योजना के संबंध में बताया कि 14वें वित्त आयोग में शासन के द्वारा परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत 37 गांवों को विकसित करने के लिए मंजूरी मिली थी, जिसमें 3 गांव नगर निगम के विस्तार में आ गए, जिसके कारण अब 34 गांवों का डीपीआर राज्य सरकार ने मंजूर कर दिया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि पहले 23 अक्टूबर को 10 गांवों का डीपीआर आया था और वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति 13 नवंबर को संबंधित गांव को भेज दी गई थी और उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्वीकृति 20 गांवों को जारी कर दिया गया है। सीडीओ ने कहा कि 2 गांवों का प्रस्ताव अभी बाकी है, प्रस्ताव मिलने के बाद दोनों गांवों को स्वीकृति दे दी जाएगी। सीडीओ ने बताया कि विकास खंड जंगल कौड़िया के 4 गांवों की अभी भी स्वीकृति मिलनी बाकी है, प्रस्ताव मिलने के बाद उन गांवों को भी स्वीकृति दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत जिन गांवों में बेहतर कार्य हुआ है या अपनी आय सृजन किया है या जिन गांवों के डॉक्यूमेंट्स पूरे थे उनको सबसे अच्छा गांव माना गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, उसका जो डीपीआर है वो 23 अक्टूबर को वहाँ से जिले राज्य स्तरीय समिति ने मंजूर किया, 23 अक्टूबर को, और उसके बाद 3-4 दिन में हमारे पास पूरा आ गया था। जो हमें जिला स्तरीय समिति उसमें लिखी गई 13 नवंबर को उसने स्वीकृति दे दी थी। पहले जो गांव से प्रस्ताव दिए गए थे कि ये काम हम पहला कर रहे हैं, 10 गाँव पर तो 10ों की हमने 13 नवंबर को दे दी दीपावली से, वो सारी डेट में है सब गाँव को मिलने के। फिर 1 दिसंबर को सिविल की दे दी गई, सिविल कार्य की जो उन्होंने प्रस्ताव दिए है, और इसमें हमने एक वेरिफिकेशन मांगा था, जो हमारे वेरिफिकेशन थे उन्होंने पूरे क्लियर कर दिए। अकॉर्डिंगली ही जिला स्तरीय ने उसको कर पूरा कर पूरा सेंक्शन कर दिया जितना ग्राम ने दिया। ये टोटल देखा है, इसमें पूरा हम लोग आपसे अभी अब शेयर करते हैं। ये एक्सेल में मैंने समरी बना दी हम लोग विभाग में, 21 गांव को कितना है, और ये हमने ग्रामवार जो है जो ओरिजिनल सेक्शन आई है ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। हर कार्य का है इसमें, 21 गांव में क्या क्या कार्य होने हैं, कौन कौन सी सीसी बननी है, क्या क्या परचेज होने हैं, कार्य बाधे ये इसमें से जो हमें जीपी ने ग्राम पंचायत ने पहले कार्य प्रायोरिटी बना के दिया, और उसमें भी क्लासिफिकेशन है कि कितना ईडीओ पंचायत करेंगे, कितना ग्राम सभा खुद कर सकती है ग्राम पंचायत, और कितना जो अमाउंट है वो आपका डीपीआर लेवल पे होगा, और कितना जिला स्तरीय कमेटी जिलाधिकारी को देंगे। तो अकॉर्डिंगली हमने सारे की सारी क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसको बांट के किया, और कुछ गांव में हमें प्रस्ताव ज़्यादा दिए, कुछ ने कम दिए, जितने जैसे दिए हमने कर दिए। पूरे टाइमलाइन को फॉलो किया गया है, और ये जो है ये पूरा पारदर्शी तरीके से आपके साथ पूरा शेयर किया जा रहा है डेटा, और ये भी कॉपीज जो है आपको दे दी जाएंगी, और जो भी आपको और डेटा चाहिए होगा आप उसको प्रोवाइड करें। फ्लेक्सिबल नहीं है, वो जी डी में रहेगा, वो अपने श्वेता से जब चाहे जब तक यूज कर सकते, ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ये 25 के बाद लैप्स हो जाए, ये डायरेक्शंस भी कभी हम आपको भी दे देंगे। जो कंसर्न वहाँ के एसडीएम है और एक वहाँ पे नोडल अधिकारी जो पहले जिसने डीपीआर ये बनवाया है, जिस नोडल अधिकारी को नामित किया गया था, और साथ में एक टेक्निकल एक्सियन की टीम लगाई गई है जो जाके जब ये कार्य हो जाएगा उसको जांच करेंगे, और उसके बाद ही साफ लिखा है जो ऑर्डर दिया गया है कि जब वो अपना रिपोर्ट दे देंगे तब पेमेंट की, ये पूरा उसमें जो नियम है उसमें लिखा है। और ये पहले का प्रोसेस था उसमें अभी मैं इसलिए कमेंटिंग करता हूँ कि इस प्रोसेस में मेरी तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये चीजें पहले हो चुकी थी। अगर आपको जानकारी मेरे माध्यम से दी जा रही है तो क्या इसको आप विवेचना पुनः ले सकते हैं? नहीं, अगर आप अगर ऐसा कुछ दे दें तो हम उसको जाँच में करवा देंगे, क्या भेज देंगे जाँच करके जो भी है जो जो देंगे उसको जाँच कर देंगे, हम इसको पूरा ट्रांसफर। मैंने इसीलिए आप लोगों से शेयर किया कि आप लोग पूरा जियो ही पढ़ लीजिए, और इसमें पूरे 23 अक्टूबर डेट है जो आपको उसको मिल जाएगी, 23 अक्टूबर से लेके 14 पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। ठीक है, जो जो ये कहना चाहिए एक साल का डिले है ये।
ये मेरे बिल्कुल नहीं है, वो तो साहब दूसरे टाइम मुझे भी हुआ है, फास्ट काम किया है। इसमें जो हमारे पास जो हमारे टोटल 37 गांव में हमारे परफॉर्मेंस ग्रांट का जो शासन द्वारा मंजूर की गई थी परफॉर्मेंस ग्रांट, उसमें से तीन तो नगर निगम में चले गए, तो 34 का DPR अप्रूव होकर राज्य स्तर से आ गया था। तो पहले 10 गांव का आया था जो हमारा 23 अक्टूबर का आया था, जिसकी जो वित्तीय और शासकीय जो हमारी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति देनी थी वो हमने 13 नवंबर को पहले 10 गांव की दे दी थी, जो जो प्रस्ताव गांव प्रसाद ने दिए थे। दूसरा जो 10 दिसंबर को जब उसका क्लैरिफिकेशन आया, हम दो तीन क्लैरिफिकेशन और चाहिए थे, उसमें 20 और जो गाँव थे हमारे उन्होंने जो जो प्रस्ताव दिए थे उनकी कल हमने वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। उनके नाम मैंने एक लिस्ट बना के आपसे शेयर कर दिया है, कितनों की हमें स्वीकृति दी है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है। और जो इसमें जियो साथ में आया है कि ग्राम पंचायत के क्या दायित्व है वो भी आप लोगों के साथ साझा कर दिया। उन्होंने अभी हमें कल जो है, कल वो लोग आए थे, उन्होंने अभी प्रस्ताव जो कहा है कि हम दो दिन में प्रस्ताव दे देंगे, उनको भी जैसे प्रस्ताव आएंगे तुरंत स्वीकृति मिल जाएगी। और वो 4 गाँव हैं, एक ब्रह्मपुर का है, 3 जंगल कौड़िया के हैं, उनके नाम आपको बता दिया अभी, कौड़ी राम के सॉरी, और वो अभी मुझे लग रहा है कल या परसों तक दे देंगे, हम लोग एक दिन में उसको भी स्वीकृति दे देंगे जैसे ही प्रस्ताव आए। हाँ, जिन इसमें जो परफॉर्मेंस ग्रांट का जो जिनमें काम अच्छा हुआ है, या जिन्होंने अपनी कोई आय सृजन किया है, जिन जिन ग्राम पंचायत की कोई आय है, जिनके ऑडिट रिपोर्ट्स थी, सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट थे, तो वो क्राइटेरिया जो परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा कर गए थे उनको ये दिया गया।